गाइज आज का वीडियो लंच से ही शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे यम्मी यम्मी चिकन मेरा बन गया है क्योंकि आज है संडे, तो संडे में तो चिकन बनता ही बनता है। और यहाँ पे है बुबुन बिटुआ, बुबुन यहाँ पे है, अभी हम लोग फटाफट लंच करेंगे। डायरेक्ट लंच पे मिल रहे है ना, क्योंकि सुबह से हम लोग बहुत बिजी थे आज, छुट्टी का हाँ काम था, पेंडिंग था, मेरा भी बहुत काम था। अच्छा क्या काम था बाबू? कलर करना। कलर करना। पापा का क्या काम था? पापा का मार्केट में जाना। हाँ वो हम लोग सूट नहीं कर पाए है ना आज, आज बारिश भी हो रहा था, वैसे सूट कैसे कर पाते, तो बहुत सारा काम था। तो फटाफट देख लेते हैं आज लंच में क्या क्या है ना। तो पहले तो है चिकन, यहाँ पे चिकन कौशा थोड़ा सा है, और बैंगन फ्राई है, यहाँ पे सलाद है, सलाद में है एप्पल, खीरा, और ये क्या है, अनियन है, टमाटर है, और है बुबुन। हाँ चलो खाना खा लो, खा लो जल्दी से। तो गाइज हम लोग अभी खाना खा लेते हैं है ना, तो आज का ब्लॉग लंच से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉम फैमिली इन बिहार। और आज डायरेक्ट हम लोग लंच पे मिल रहे हैं क्योंकि सुबह से बहुत बिजी थे, बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो आप सब कैसे हैं? हम लोग तो बहुत ही बढ़िया है। कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, लेकिन आज बारिश होने से बहुत ही ज़्यादा वेदर नरम हो गया। तो चलिए आज का लंच हम लोग एंजॉय करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आफ्टर लंच अभी मिल रहे हैं, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड चीजी बॉल। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड को ब्रेड क्रम्स बना लिया है, और एक बोल ले लिया, उसमें ब्रेड क्रम्स को ले लिया, उसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अभी एक डाल देंगे अंडा, दो एग डालेंगे, और दो एग डालने के बाद इसको एक अच्छा सा स्मूद एक डो बना लेंगे, जिससे बॉल बना पाए, क्योंकि अंडा देने से ये थोड़ा सा बॉल टाइप का शेप दे पाएंगे। और इसके बाद चीज़ क्यूब ले लेंगे, और मेरे पास उतना चीज़ नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो चीज़ क्यूब को काट लिया मैंने, और हथेली पर थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा लिया है। अभी इसका बॉल बनाएंगे एक एक करके, फिर बॉल बना के इसके अंदर चीज़ क्यूब डाल देंगे। आपके पास जितना चीज़ होगा उतना ही अच्छा बनेगा ये, लेकिन चीज़ तो ख़त्म था, लेकिन बुबुन ज़िद कर रहा था तो मुझे बनाना पड़ा, तो इसके अंदर मैंने चीज़ क्यूब डाल दिया, और एक एक करके सारा बॉल में बना लूँगी ऐसे करके। सो यहाँ पे बॉल्स मैंने रेडी कर लिया है, अभी कढ़ाई पे तेल भी गर्म हो चुका है, और धीमी आंच पे एकदम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। और देखिए यहाँ पे फ्राई हो गया है अभी। सुनो ये क्या है? ये है चीजी बॉल, ब्रेड चीजी बॉल। वाह चाय के लिए बहुत अच्छा। हाँ तो इसके साथ चाय बनाएंगे ना। चलो चलते हैं। इसका लुक कैसा है? इसके अंदर चीज है। मम्मी अब क्या बना रही है? चीजी बॉल। बॉल बन रहा है। चलो पापा दोनों एक साथ चाय के साथ खाएंगे। मेरा चीजी बॉल रेडी हो गया है, अभी इसे मैं उठा लूंगी यहाँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ी बॉल यहाँ पे रेडी हो चुका है, और गार्निश भी मैंने कर दिया है, तो अभी इसे काट के देखते हैं कैसा
बना है अंदर। देखते हैं अंदर से कैसा पका है। इसमें और भी ज्यादा चीज होता तो अच्छा होता, लेकिन हम लोग के पास उतना चीज आज खत्म हो गया है, उतना चीज नहीं था, तो जो था वही से कर। उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है चीजी बॉल खाना। ओहो गुगुन, केचप के साथ खाओगे? बहुत दिन से गुगुन बोल रहा था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था चीजी बॉल बनाने के लिए। कैसा बना? बहुत अच्छा, टेस्टी बना है। चला एंजॉय करो, टेस्टी ना। मिस्टर आदक भी चीजी बॉल खाने के लिए आ गए हैं। केचप के साथ खाओ, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा दो। हो गया। टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा। अब चाय बनाते हैं थोड़ा सा। क्या चाय पीना है? लेमन टी के मिल्क टी? लेमन टी ठीक है, ठीक है, लेमन टी बना के लेके आते हैं, है ना। ये बन गया है हम लोगों का लेमन टी। हियर इज द लेमन टी। मिस्टर आदत को मेरे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का लेमन टी पसंद नहीं है, है ना। क्या क्या देते हैं इसमें? रहता है जैसे शुगर तो रहता ही है, और चाट मसाला है, काला नमक, और चाय पत्ती हल्का सा। हाँ बाबा, अच्छा खाओ ना, तुम्हें खाओ। और इसके बाद रहता है आपका लेमन, एकदम एंड होने के बाद। पूरा पूरा गैस पे बनाइएगा तो गैस पूरा बंद, और इंडक्शन पे बनाइएगा तो इंडक्शन पूरा ऑफ, मतलब ऑफ करके उसके बाद लेमन देना है, ऐड करना है। और इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक डालने से और भी फ्लेवर अच्छा होता है। लगभग बन गया है, तो चलिए फटाफट। चिकन था वो गरम कर लिए है, इसमें चिकन 3 पीस है और आलू ज्यादा है, और पता नहीं आज मुझे क्यों टमाटर का चटनी खाने का मन किया, मीठा वाला, वो मैंने बना लिया है। और यहाँ पे है गर्मा गर्म बैंगन फ्राई, तो इसमें थोड़ा सा और नींबू मैं ऐड कर दूंगी, हो जाएगा टमाटर का चटनी रेडी। मैंने चावल बना लिया है, वाव चावल बन गया है। फटाफट चावल निकाल लेते हैं। रात में सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ही चावल बनाए हैं। बाबू से जाओ, बाबा बैठ जाओ। मुकुंद नाओ, शुरू करो शुरू करो। शुरू सैलेड खाने से कुछ नहीं होता है। चलो 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 चलो, फटाफट गरम गरम चावल खा लो बाबा, फटाफट खा लो। बैंगन फ्राई ले लो, पहले बैंगन फ्राई से स्टार्ट कर दो, ठीक है। बैंगन फ्राई ले लो, हाँ ये वाला। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज जो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स है मेरे चैनल पे वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।
बाय।